हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थाई जी। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं नाश्ता। और आज हमें उत्तराखंड में तीसरा दिन है और जो आज का सफ़र है हम बाइक से नहीं करेंगे। पजामा का अंदर ही होगा, अंदर ही रूम में। बात करते ही नहीं यार, कैश चाहिए होता ना जल्दी। कोई बात नहीं, शाम को मेरे को दे देना वापस। बाकी एटीएम है ही है ना, एटीएम तो वो फोन पे कर लेंगे ना। अभी पेट्रोल पंप आएगा ना, उस पर रोकना। तो दादी हम कहाँ जा रहे हैं? जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मगर एक ट्रेजेडी ये हो गई कि दया अपना पास भूल गया है। मगर टेंशन की कोई बात नहीं, मैं अपना पास लेकर आया हूँ और भैया ने कह दिया है कि फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। तो चलते हैं अपने सफर पे। हाटकालिका के मंदिर पिथौरागढ़ में। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। दोस्तों, हाटकालिका का ये मंदिर देवदार के वृक्षों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रे भाई प्रसाद। Thank you.
अपन ले गया छीन के झपट के ले गया और क्या। ये मंदिर है दोस्तों, हाट कालिका मंदिर में विराजमान महाकाली इंडियन आर्मी की कमांड रेजिमेंट के आराध्य हैं। बताया जाता है कि इस रेजिमेंट के जवान युद्ध या मिशन पर जाते हैं तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर के धर्मशालों में किसी न किसी आर्मी अफसर का नाम जरूर मिल जाता है। कुमा हुआ है ना, यही 50,000 का है बटालियन का। बताया जाता है कि 1971 में पाकिस्तान के साथ छिड़ी जंग के बाद कुमाऊं रेजिमेंट में सूबेदार शेर सिंह द्वारा महाकाली की एक मूर्ति की स्थापना कराई गई थी। बताया जाता है कि सेना द्वारा पहली मूर्ति स्थापित की गई थी। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने साल 1994 में एक बड़ी मूर्ति चढ़ाई थी। दो मैं ले लो, खड़े हो दोनों खड़े हो। ये देखो देखो ना, पहले बल्ली ना नीचे चढ़े थे बल्ली। अब तो बंद हो गए शायद। वैसे आगे बल्ली, हाँ आगे, हाँ वो तो वहाँ कर दिया वो, हाँ वो नीचे साइड है। बली का रहना साइड में कर दिया नीचे। बारह खाने का यहाँ कर दिया अभी। इधर था शायद पहले नीचे। और फोटो वोटो खींचते दोस्तों। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि माँ कालिका का रात में डोला चलता है। इस डोले के साथ कालिका के गण आण व बाण की सेना भी चलती है। कहा जाता है कि अगर कोई इस डोले को छू ले तो उसे दिव्य वरदान की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर माँ काली विश्राम करती है। यही कारण है कि शक्तिपीठ के पास महाकाली का बिस्तर लगाया जाता है। बताया जाता है कि सुबह में इस बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती हैं जो संकेत देती है कि यहाँ पर किसी ने विश्राम किया था।
मैं भैया भी तो बड़े चिल्ला के उसको देख रहे हैं।